आप डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा डेसिमल नंबर 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी सीरियल वाइज चलता रहता है, पर जो बाइनरी नंबर और हमारा होता है सिर्फ 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो इसी को मैं आज चेंज करना सिखाऊंगा। ये आपके बीसी इंट्रेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 4 का भी आता है, कई बार 8 का भी आ जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके 4 मार्क्स या 8 मार्क्स, तो इसको अच्छी तरह करिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको डेसिमल, जैसे कि डेसिमल नंबर हमारा 25 है, तो हम इसको 10 से रिप्रेजेंट करते हैं और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और हम बाइनरी नंबर को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम पहले 25 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हमेशा। तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 दूना 1 क्वेरी बचेगा, जो क्वेरी बचेगा यहाँ लिखना है। वैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, कैरी 0 बचेगा। वैसे सिंपली हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कैरी 0 बचेगा। अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ सिंपली 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लिखते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक। अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 1 0 0 1। तो ये हमारा 25 का डेसिमल नंबर आ गया, बाइनरी नंबर आ गया, 25 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर आ गया ये। तो आप इसको देख सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं शॉर्टकट मेथड ही बताऊंगा इसके बाद आपको। जैसे हम 41 का ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 पे जाएगा, 1 कैरी बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 पे जाएगा, कैरी 0 बचेगा। वैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे जाएगा, कैरी 0 बचेगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, 1 क्वेरी बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि 41 का कैसे कन्वर्ट होता है बाइनरी में। तो 1 0 1 0 0 1 सिंपली हमारा ये आ जाएगा बाइनरी नंबर। अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड ही बताने वाला हूँ। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको पहले एक टेबल बनानी होगी, टेबल कुछ इस प्रकार की होगी। पहले हम स्टार्टिंग में 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16 आएगा। ऐसे ही हम करते चले जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई 128 तक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कुछ बड़ा नंबर है तो 256, इससे नेक्स्ट भी कर सकते हैं आप, बट हमारा काम इतने में हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 25 का, जैसे 25 का है ना, 25 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो 25 किसके करीब है, मतलब 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो जैसे 25 के करीब 16 था, तो हम 16 की जगह 1 लिखेंगे, तो 25 में हम कितना प्लस करेंगे, मतलब 16 में हम कितना प्लस करेंगे कि 25 हो जाए। तो हम 8 भी प्लस कर सकते हैं, तो कितना होगा, 24 हो जाएगा और 1 25 हो जाएगा। और जहाँ हमें कुछ नहीं आएगा वहाँ हम 0 0 लिख सकते हैं। तो हम मैच कर सकते हैं, जैसे 11 11 0 1 11 0 1, तो ये हमारा 25 का आ गया। तो सेम हम 75 का भी ले सकते हैं। तो 75 किससे करीब है, अप्रोक्स
64 128 28 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम 64 लेंगे, तो हम 64 का 1 लिखेंगे। 64 प्लस 8, 64 प्लस 32 ज़्यादा हो जाएगा, 16 भी ज़्यादा हो जाएगा, पर जब हम 28 लेंगे सिर्फ, तो ये हमारा 72 हो जाएगा। तो हम यहाँ एक लिख देंगे, 72 प्लस में 3 ये 75 हो गए। तो हम 4 की जगह 0 लिख देंगे, 6 की जगह 0 लिख देंगे, और इसकी जगह भी हम 0 लिख देंगे। तो हम मैच कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे 75 का ये है, वैसे ही हम एग्जांपल एक और शॉर्टकट इजी मेथड लेते हैं। जैसे कि हमारा, अगर हमें ये टेबल याद है तो हम इजीली हम इसे जल्दी से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 68 का ले लेते हैं, तो 68, जैसे हम 68 का ले लेते हैं मान के चलिए, तो 68 64 के करीब है, तो हम इसकी जगह 1 लिख देंगे, और 64 प्लस में 4 68, तो बाकी जितने बचे हमें वहाँ पे 0 लिख देने हैं। तो आप देख सकते हैं 64 का बाइनरी नंबर आ गया, 68 का, सॉरी 68 का। तो वैसे हम 132 का भी ले सकते हैं सिंपली। 132 किसके करीब है, 32 128 से कम है, तो हम पहले इसको ले लेंगे और प्लस में 4 करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 132। 28 और प्लस 4 132 हो जाता है। तो जो बाकी जितने बचे वहाँ पे हमें 0 लिख देने हैं, सॉरी ये गलत हो गया, हमें 128 के करीब लेना था, 128 के नीचे लेना था, क्योंकि 132 128 के करीब है। वैसे ही सिंपली 167 ले, जैसे कि मैं चेंज कर देता हूँ, 167 का ऊपर ले देता हूँ, 167 लेते हैं। तो ये हमारा इससे तो ज़्यादा हो गया, इसके करीब है, तो इसकी जगह हम फर्स्ट लिख 1 लिखेंगे। 128 प्लस में 32 160 हो गए, 160 प्लस में 4 64, 66 ये प्लस 67, बाकी जो बच गए हमें उसकी जगह 0 लिख देने, हमें प्लस करना है जब तक ये नंबर पूरे नहीं होते। जैसे ही हमारा प्लस पूरा होता है, ये हमारा बाइनरी नंबर आ जाता है। वैसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 100 का, 100 बहुत ईजी है। जैसे कि 100 इससे ज़्यादा हो जाता है, तो हम 64 लेंगे 1, और 164 प्लस में 6 नहीं, 64 प्लस में 32 कितने हो गए, 96, 96 प्लस में 4 100, तो बाकी जो बच गए वहाँ पे हमें 0 लिख देना है, सिंपली ऐसे करना है। अगर वीडियो को समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखा आज हमने, तो अगली वीडियो में हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये नोट करना, अगर आपको जैसे कि कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर अगर हमें 10 से प्रेजेंट कर रखा है, तो बाइनरी नंबर होगा हमारा, नहीं डेसिमल नंबर होगा, सॉरी डेसिमल नंबर होगा। अगर हमें वही नंबर 2 से प्रेजेंट कर रखा है, तो वो बाइनरी होगा। अगर वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछे, ये शॉर्टकट मेथड है, इसका ट्राई करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।